महिला आरोपी ने फर्स्ट स्टेप नाम से कंसल्टेंसी ऑफिस खोलकर कई लोगों से ठगी की। महिला ने कई लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर शिकार बनाया। तुकोगंज पुलिस ने शातिर महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ टावर का है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप नाम से एक महिला द्वारा कंसल्टेंसी ऑफिस खोला गया था, जहाँ महिला आरोपी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। फरियादी योगेश की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था, जिसके बाद पुलिस ने महिला आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शातिर महिला के कई अलग अलग नाम हैं, जिसमें सुधा, सिमरन, स्नेहा और सीमी। अब तक पुलिस के पास 3 शिकायतकर्ता सामने आ चुके हैं। वहीं और भी कई शिकायतकर्ताओं की जानकारी मिली है। महिला नौकरी दिलाने के नाम पर 15,000 से 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति से लेती थी। नवंबर 2021 में एक महिला ने इंद्रप्रस्थ टावर में एक ऑफिस खोला था। वहां पर कंसल्टेंसी का ऑफिस उन्होंने खोला था और वो 500 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन करती थी और उसके बाद में नौकरी का लालच देती थी और उसके बाद में एक उनको लेटर दे देती थी अपॉइंटमेंट का कि आपकी 30,000 रुपए की या आपकी 50,000 रुपए की जॉब लग गई है और आधी सैलरी आपको हमको देना पड़ेगी। और उस पर एक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसपे महिला सिमरन उर्फ सिमी, सुधा उर्फ स्नेहा, ऐसे इनके 3-4 नाम है, उनको कल गिरफ्तार किया पुलिस ने। अभी हमारे पास 3 लोगों की शिकायत आई थी, उस पर हमने पकड़ना चाहिए। नहीं, अभी तो ऐसे कोई नहीं आया अभी तक।